भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया, जिसे श्रीलंका ने जीत लिया। श्रीलंका की टीम ने भारत को इस मैच में 4 विकेट से हरा दिया और सीरीज में बराबरी कर ली। इस मैच में श्रीलंकाई टीम के कप्तान दसुन शनाका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए। कप्तान शिखर धवन ने 40 रन की पारी खेलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। श्रीलंका के सामने जीत के लिए 133 रन का लक्ष्य था, जिसे मेजबानों ने 19.4 ओवर में 4 विकेट रहते हासिल कर लिया। अब इस सीरीज का नतीजा गुरुवार 29 जुलाई को इसी मैदान पर होने वाले तीसरे और आखिरी टीम मैच के साथ खेला जाएगा, क्योंकि मौजूदा सीरीज का पहला मैच भारत ने जीता था।